18 सितंबर 2018 का दिन, जब बिलासपुर के कांग्रेस भवन में घुसकर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस लाठीचार्ज की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे और कांग्रेस नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तब सरकार बनने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी। लेकिन इस लाठीचार्ज को 5 साल पूरे हो गए हैं और ना ही जांच रिपोर्ट सामने आई, ना ही दोषियों पर कोई कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी ने इसी को मुद्दा बनाकर भूपेश सरकार को घेरने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस के दफ्तर बिलासपुर में पुलिस के लोगों ने डंडा रख करके वहां के जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उनको बेरहमी से पीटा, और उस वक्त आप भी श्रीमान टीएस सिंहदेव जी और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जो प्रदेश अध्यक्ष थे आप सब बिलासपुर गए थे, सिविल लाइन थाने को घेरे थे, रिपोर्ट दर्ज हुई, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दंडाधिकारी जिला दंडाधिकारी जांच का आदेश किया, पुलिस ने मारा, भाजपा की सरकार, कांग्रेसी घायल हुए, अरुण तिवारी को गिरफ्तार करते फोटो है, अटल को मारते हुए फोटो है। 5 साल हो गया इस सरकार में बैठे हुए मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री 5 साल में उस दंडाधिकारी जैसे सिंपल जांच को नहीं करा पाए। 5 साल में जब आप जांच नहीं करा पाए तब भी हम आपके ऊपर विश्वास करें। अब कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी सरकार को वही पुराना वादा याद दिलाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि तब टीएस सिंहदेव ने तत्कालीन डीएसपी नीरज चंद्राकर और दोषी पुलिस वालों को सेवा से बर्खास्त करने की मांग की थी, लेकिन सरकार बनने के बाद उन्हें अपना वादा याद नहीं है। जो नीरज चंद्राकर की जांच होना थी वो नीरज चंद्राकर की जांच तो छोड़िए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी नहीं हुई और उसको प्रमोशन दे दिया गया डीएसपी से एडिशनल एसपी बिलासपुर से रायपुर, सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। दरअसल छत्तीसगढ़ में 5 साल पहले 18 सितंबर 2018 को बीजेपी की सरकार थी, तब तत्कालीन मंत्री और शहर विधायक अमर अग्रवाल ने कांग्रेसियों की तुलना कचरे से की थी। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस नेताओं में आक्रोश भड़क गया और बीजेपी नेता और मंत्री के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। विरोध की इस कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमर अग्रवाल के बंगले का घेराव किया और पुलिस सुरक्षा के बीच उनके बंगले में कचरा फेंक दिया। इस घटना के बाद पुलिस कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने कांग्रेस भवन पहुंच गई थी। उस समय कांग्रेस नेता अंदर हॉल में बैठकर बैठक कर रहे थे। उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस कांग्रेस भवन में घुस गई और ताबड़तोड़ लाठियां बरसाने लगी और सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर कांग्रेस नेताओं की पिटाई की गई। पुलिस के इस लाठीचार्ज में पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव और दर्जन भर कांग्रेस नेता घायल हो गए थे।